السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. हर तरह की तारीफ़ और हम्द सना अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर के लायक है, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई साझी और हमसर नहीं, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। लाखों दुरूद व सलाम नाजिल हों हम सब के प्यारे आका, प्यारे हबीब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके सहाबा और अहले बैत पर। मोहतरम हजरात, माह रजब अल्हम्दुलिल्लाह साया फिगन है और इस महीने के आगाज़ के साथ ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ फरमाया करते थे, اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، हम सब को चाहिए कि ये दुआ कसरत से पढ़ें, जिसका तर्जुमा ये है कि ऐ अल्लाह हमारे लिए बरकतें नाजिल फरमाइए माह रजब और माह शाबान में, और हमें माह रमज़ान तक पहुँचाइए, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। कितने ऐसे भाई हैं जो माह रजब में हमारे दरमियान होते हैं, लेकिन माह रमज़ान आते आते वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये अलग बात है कि जब जिसका वक्त मुतय्यन है वो जाके रहेगा, जैसा कि हदीस पाक में है कि बज़ाहिर इंसान यूँ कहता है किसी गुज़रने वाले इंसान के बारे में कि इसे फ़लाँ बीमारी हो गई थी इसीलिए इसका इंतकाल हो गया, इसे फ़लाँ मर्ज़ लाहिक हो गया था इसीलिए इसका इंतकाल हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्ज़ बीमारी एक बहाना है, एक हीला है, हकीकत यह है कि इसके पैदा होने से पहले अल्लाह ने यह वक्त लिख दिया था। कोई बीमारी न भी आई होती फ़र्ज़ कीजिए तो भी उसे जाना था। हर हाल में एक लम्हा न पीछे एक लम्हा न आगे, जो वक्त मुकर्ररा है बिल्कुल उसी वक्त में जिस्म से रूह निकलनी है और अल्लाह के पास जाना है। हाँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ज़रूर फरमाया कि मौत मोमिन के लिए खैर है, क्योंकि ये मोमिन को अपने रब से मिलाती है। कि मोमिन जब अल्लाह को राज़ी रखा होता है अपनी ज़िंदगी में, किसी इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई होती, तो रब उससे मिलने का मुश्ताक होता है, रब ख़ुद ख्वाहिशमंद होता है उससे मिलने का, उसकी रूह का इस्तकबाल करता है रब। तो लिहाजा मोमिन के लिए हर हाल में मौत खैर है, रहमत है, और उसके रुखसत होने पर जो उसके आइज़ा अकरबा सब्र का मुजाहरा करते हैं, गिले शिकवे नहीं करते, चीख पुकार नहीं करते, तो उन्हें भी अजर से नवाजा जाता है। तो इस एतबार से ये दोनों के लिए अजर का मौका होता है, मरने वाले के लिए भी और उनके लिए भी जो पीछे उसके लिए सब्र करें और उसके लिए दुआए मगफिरत करें। यही पीछे रह जाने वालों की ज़िम्मेदारी होती है और अल्लाह से उसके लिए जन्नतुल फिरदौस मांगे।
तो बहरहाल रमज़ान किसकी ज़िंदगी में है या नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें चाहिए कि हम ये दुआ मांगें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ये दुआ बकसरत हमें पढ़ने की अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए। उसके बाद जो आज गुफ्तगू करनी है मुख्तसरन, वो ये कि एक फितने से आगाह करना है। एक फितना जो हमारे ईमान और इस्लाम पर डाका डाल रहा है और बहुत खामोश तरीक़े से ज़मीनी सतह पे वो मेहनत कर रहे हैं, और ये फितना अपने परों को फैलाता जा रहा है करीब से करीब, यहाँ तक के बिल्कुल हम जिस इलाके में रहते हैं हमारे करीब तक ये फितना पहुँच चुका है। और ये फितना ईमान और इस्लाम पर डाका डालने वाला, ईमान और इस्लाम से महरूम कर देने वाला है। उस फितने से पहले हदीस की रोशनी में मैं सारे पस मंज़र को बयान कर देना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ बताई हैं, बहुत सारी पेशिन गोइयाँ फरमाई हैं। उन्हीं में से आपने एक पेशिन गोई ये भी फरमाई कि क़यामत के करीब दो शख्सियतें आएंगी, एक होंगे इमाम महदी और दूसरे होंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और इन दोनों की बड़ी तफसील हदीस में बयान फरमाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कोई इनका मुआमला ढका छुपा या मख्फी नहीं है कि कोई आदमी आए और बहकाकर ईमान का सौदा कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी नज़र अहादीस पर होनी चाहिए। इमाम महदी के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पे फरमाया, इनकी पैदाइश मेरे शहर मदीनतुल मुनव्वरा में होगी। उसके बाद आपने फरमाया इनका वही नाम होगा जो मेरा नाम है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपने फरमाया इनके वालिद का वही नाम होगा जो मेरे वालिद का नाम है, यानी अब्दुल्ला। तो इमाम महदी का भी नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होगा, पूरी सराहत के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। उसके बाद आगे आपने फरमाया कि मदीनतुल मुनव्वरा में ज़िंदगी का ये एक हिस्सा गुजारेंगे अल्लाह के बड़े नेक और बड़ी सलाहियतों वाले और बड़े तकवा और जहद वाले ये होंगे। ये मक्कतुल मुकर्रमा आएंगे और तवाफ़ कर रहे होंगे, हजरे असवद और मकाम इब्राहिम के दरमियान होंगे कि कुछ इल्म वाले लोग, अहले इल्म हज़रात जिनकी अहादीस पर नज़र है, कुरान पर नज़र है, वो लोग भी तवाफ़ कर रहे होंगे और उस वक्त उन्हें देखते ही पहचान लेंगे यही इमाम महदी हैं। तो इमाम महदी का पहचाना जाना यह हजरे असवद और मकाम इब्राहिम के दरमियान तवाफ़ करते हुए होगा। किसने फरमाया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। चुनांचे सारे के सारे लोग उनके हाथ पे बैत करेंगे। हालांकि इमाम महदी बड़े मुतवाज़े, बड़े सादा मिजाज होंगे, वो कहेंगे मुझसे बैत मत करो, क्योंकि बैत का मतलब ये होगा कि उस वक्त का जो बादशाह होगा उसके खिलाफ बगावत। चुनांचे वो पीछे हटेंगे, लेकिन वो सब लोग इसरार करेंगे, ज़िद करेंगे और उनके हाथों पे बयात होगी और फिर वो इमाम महदी कहलाएंगे। अब फिर उसके बाद वहाँ से वो निकलेंगे, दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में जाएंगे, यहाँ तक कि वो खुरासान तक आएंगे। हदीस में है खुरासान जो अफ़गानिस्तान और ईरान का सरहदी इलाका है, यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ बाकायदा लश्कर तैयार होगा और उसके बाद वो बातिल ताकतों से जिहाद करेंगे और एक तरफा वो जीतते चले जाएंगे, कहीं पर उन्हें शिकस्त नहीं होगी अल्लाह के फजल व करम से। ये सारी तफसीलात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, यहां तक के बिल्कुल मुआमला उनका गालिब हो चुका होगा, दज्जाल का खुरूज होगा, दज्जाल जाहिर होगा, बहुत बड़ा फितना। हजरत इमाम महदी मुल्क शाम की का जो शहर है दिमश्क, उसकी जो सबसे बड़ी मस्जिद है जामे मस्जिद, उसमें नमाज फजर पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे आगे बढ़ेंगे। नमाज फजर मुस्तनद हदीसों में ये बात लिखी है। अभी इकामत दी जा रही होगी कि अचानक कुछ आवाज़ें आएंगी ऊपर से। ये ऊपर क्या हो रहा होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दो फरिश्तों के सहारे।
हज़रत इमाम महदी पैदा होंगे आम इंसानों की तरह, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतारे जाएंगे क्योंकि उन्हें आसमान पर उठा लिया गया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि यहूदी जब इन्हें सलीब पर यानी सूली पर लटकाने के लिए गए तो उन्हें नहीं लटका सके, बर रफ़अहुल्लाहु इलैही, अल्लाह ने फरमाया कि हमने इन्हें अपनी तरफ ऊपर बुला लिया। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। शहर भी बताया, मस्जिद भी बताई, मस्जिद का मीनार भी बताया मशरिकी मीनार पर, वक्त भी बताया कि वो नमाज फ़ज्र की इकामत का वक्त होगा। इतनी साफ बातें हैं हदीस में कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाएंगे, इमाम महदी उन्हें देखते ही पहचान लेंगे और वो मुसल्ले से पीछे हटेंगे और कहेंगे आइए इमामत फरमाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनकार करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो हजरत इमाम महदी की इमामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज फजर अदा करेंगे। फिर उसके बाद कुछ और दिन जिंदा रहेंगे इमाम महदी, फिर उसके बाद उनकी वफात होगी और फलस्तीन की सरजमीन में वो दफन किए जाएंगे। फिर महाज संभालेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और एक बड़ा जिहाद करेंगे जो आलमी जिहाद होगा पूरी दुनिया के अंदर, और दज्जाल का ताकुब करेंगे, पीछा करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, यहां तक कि दज्जाल पहुंचेगा अपने मानने वाली कौम यहूदियों की सरजमीन इसराइल में, और इसराइल में उन्हें घेरेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ। वहां एक मकाम लुद है, उस मकाम लुद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल पर काबू पाएंगे और उसका कत्ल करेंगे, उसका खात्मा करेंगे। इस तरीके से दज्जाल का एक बदतरीन फितना खत्म होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सालों पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी हुकूमत बड़ी रहमतों वाली, बड़ी बरकतों वाली और बड़े अल्लाह के फजल वाली होगी, खूब खुशहाली होगी पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में एक ही कानून होगा, इस्लाम का कानून, कुरान और हदीस का कानून, सिर्फ शरीयत का निफाज रहेगा पूरी दुनिया के अंदर। फिर एक वक्त आएगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी वफात होगी और फिर उन्हें दफन किया जाएगा उस मकाम पर जहां प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। जिस तरह आपके पहलू में सजिदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, सजिदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा है, उसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी वहीं पर तदफीन अमल में आएगी। ये सारी तफसीलात अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस में मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद हर थोड़े दिन पे जहाँ किसी शख्स मजहबी शख्सियत को, मजहबी रहनुमा को खूब मकबूलियत मिलने लगती है और वो देखता है कि लोग हमारे गिरविदा हो रहे हैं और लोग हमारे हर कहे पर अमल करने को तैयार हैं, तो बड़ा आसान रास्ता पा लिया लोगों ने, सीधे महदी होने का दावा करते हैं कि हम इमाम महदी हैं, और थोड़ी दिनों के बाद फिर खुद ही दावा करते हैं नऊज़ बिल्ला के मैं ईसा हूँ, और फिर उसके बाद बात यहाँ तक पहुँचती है नऊज़ बिल्ला के नबूवत का दावा कर देते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल गुलाम अहमद कादियानी की मिसाल है। कादियान का रहने वाला, अंग्रेजों का परवरदा, सबसे पहले इसने अपने आप के महदी होने के वक्त दावा किया। फिर उसके बाद देखा कि अभी सिलसिला जारी है मेरे मोतकिदीन का, वो मानते चले जा रहे हैं, और पीछे अंग्रेजों का बहुत बड़ा सपोर्ट था क्योंकि यह वक्त था हिंदुस्तान की जिहाद आजादी का, और यह फतवे दे रहा था जिहाद हराम है, लिहाजा सारे अंग्रेज इसका साथ दे रहे थे हर एतबार से, माली एतबार से भी। चुनांचे ये एक कदम आगे बढ़ के दावा कर दिया मैं ईसा हूं। फिर इसी दावे पर रहा कुछ दिनों तक, कुछ दिन और गुजरे के फिर उसके बाद नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह उसे जहन्नम रसीद करे, उसने अपने आप के नबी होने का दावा कर दिया, और फिर मरते दम तक इसी दावे पे वो कायम रहा, और बड़ी बुरी मौत आई है। शायद हमें मालूम हो कि ना मालूम हो, बैतुल खला में उसकी मौत आई है, वहीं वो मरा है। ऐसे बदतरीन लोग ऐसी ही बदतरीन मौत मरते हैं, गुलाम अहमद कादियानी। फिर उसके बाद ऐसे कितने हमें वाकयात मिल जाएंगे, महदवी फ़िरका जिसे हम सब लोग जानते हैं, महदवी फ़िरके को, इनका क्या दावा है कि मोहम्मद जौनपुरी, सैयद मोहम्मद जौनपुरी, जौनपुर एक इलाका है उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान में, वहाँ पैदा हुए ये। बेशक वो कहते हैं बड़े नेक थे, रहे होंगे, कोई इनकार नहीं है, अल्लाह का नेक बनने का हर एक को हक़ हासिल है, इख्तियार हासिल है। बेशक वो बड़े जाहिद और मुत्तकी रहे होंगे, लेकिन जैसा किताबों में लिखा है कि उनके
मानने वालों ने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि आपके अंदर सारी वो सलाहियतें हैं जो इमाम महदी में होनी चाहिए, लिहाजा आप ही इमाम महदी हैं। वो इनकार करते रहे, लेकिन एक वक्त आया कि मोतकदीन के चढ़ाने में आ गए और उन्होंने महदी होने का दावा कर दिया। उसके बाद ये जैसा हदीस में आया कि हजर असवद और मकाम इब्राहिम के दरमियान उनसे बयात ली जाएगी, उस नीयत से इनके मोतकदीन इन्हें लेकर चले सरजमीन सऊदी अरब। और उस वक्त अभी सऊदी अरब अलग एक मुल्क नहीं बना था, वो इस्लामी खिलाफत थी। चुनांचे वहाँ जब उनकी ये हरकत शुरू हुई, फौरन हुक्मरानों ने और सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ कर उन्हें कैद कर दिया। वहाँ से किसी तरीके से इन्होंने राह फरार इख्तियार किया, अफगानिस्तान आए और आने के बाद वहीं उनकी मौत वाक़ हुई, वहीं उनकी कब्र है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान में कहाँ से महदी पैदा होने लगे? ये तो सीधी सीधी बात है कि पैदाइश का मकाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा फरमाया, तो ये कहाँ से? मदीने के अलावा कहीं भी पैदाइश नहीं होगी। कहीं भी अगर किसी ने दावा किया महदी होने का, वो झूठा है, उसके मानने वाले झूठे हैं, सारा फिरका झूठा है। अभी मौजूदा ज़माने में दो महदीवी के दावेदारों का फ़िरका बहुत तेज़ी से चल रहा है सोशल मीडिया पे और ज़मीनी सतह पे। एक पड़ोसी मुल्क में एक ने दावा किया जिसका नाम था रियास, मर गया, उसने दावा किया था अपने बारे में कि मैं महदी हूँ, और ऐसे ऐसे उसके दावे हैं कि जिनको यहाँ खड़े होकर बयान नहीं किया जा सकता। उसके मानने वाले भी हैं। अभी उसका एक बहुत बड़ा मोतकिद है यूनुस गौहर शाही, जो सोशल मीडिया पर बड़ी तबाही मचाया हुआ है, उल्टी सीधी जो है वो तशरीहात करता है कुरान की आयात की और अहादीस की, और भोले भाले लोग जिनकी सही नज़र नहीं है अहादीस पर कुरान पर, वो सब उसकी जद में आ रहे हैं। और दूसरा उससे बड़ा फितना हमारे मुल्क में फैला रहा है, वो है शकील बिन हनीफ। ये इलाका बिहार के अंदर इसकी पैदाइश हुई और अभी पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में इसने बड़ी कॉलोनी बनाई है और बड़ी मजबूती से यह काम कर रहा है ज़मीनी सतह पर, और अपने बाने में वह दावा कर रहा है कि मैं इमाम महदी हूँ, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हद तो यह है कि इसने पूरे मुल्क में अपने मुबल्लिगीन फैला दिए हैं। इसके मुबल्लिगीन बड़े खामोश तरीके से और बिल्कुल कुर्ता पायजामा टोपी दाढ़ी, देखने में ऐसा लगे किसी मस्जिद का इमाम या कोई बड़ा दीनदार आदमी, और वो जो भी कहे आदमी मानने को तैयार हो जाए। एक रोटी रोजगार कमाने वाला, ठेला बंडी पर मेहनत करने वाला, वो उसकी बात में फौरन आ जाए ऐसा हुलिया बनाकर, और इस तरीके से वो कुरान और हदीस की उल्टी सीधी तशरीहात करके वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चुनांचे जैसा कि ये तहकीक से साबित हुआ कि न सिर्फ शहर में बल्कि पुराने शहर में और पुराने शहर के बाज़ इलाकों में, जिसमें इलाका वट्टेपल्ली भी है, उसके अंदर इसका बड़ा करीबी मुबल्लिग काम कर रहा है। उस शकील बिन हनीफ का बड़ा करीबी मुबल्लिग कितने नौजवान को उसने गुमराह कर दिया। अभी कुछ दिनों पहले पकड़ा गया और जो है उसे गिरफ्त में लिया गया। लिए जाने के बाद मालूम हुआ कि न जाने कितनी मेहनत कर चुका है अंदरूनी तौर पे। कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान जिन्हें नहीं मालूम इमाम महदी के बारे में क्या हदीसें हैं, जिन्हें नहीं मालूम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसे सीधे सादे भोले भाले लोगों को पहले यह बताया जाता है कि वो हमारा रहबर है। कोई ना कोई तो रहबर होना चाहिए, बगैर रहबर के हम कैसे जिएंगे? जब रहबर मान लेते हैं तो फिर बताया जाता है कि वो महदी है, जब महदी मान लेते हैं तो फिर बताया जाता है कि वो ईसा है। बात ईसा तक पहुंची है, अगर इस पर रोक न लगाई गई तो वो बदतमीज और वो लईन नबूवत का दावा कम करने में भी पीछे नहीं हटेगा। तो जरूरत इस बात की है, आज की ये गुफ्तगू खास तौर से नौजवानों के लिए है कि खामोश तरीके से हर कोई अपनी मेहनत कर रहा है, मुशरिकीन और काफिरीन भी मेहनत कर रहे हैं, और इस तरह के महदीवी होने के झूठे दावेदार भी मेहनत कर रहे हैं, और सबका निशाना वो लोग हैं जो कुरान और हदीस की तालीमात पर नजर नहीं रखते, कुरान और हदीस की तालीमात से वाकिफ नहीं है, अपनी तालीम में मसरूफ रहते हैं या अपनी रोटी रोजगार में मसरूफ रहते हैं, उनको दीन की बात का बहाना बनाकर उनके करीब होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके जहनों दिमाग में ये बातें डालते हैं और फिर पता भी नहीं चलता उनके ईमान का सौदा हो जाता है। वो मोमिन ही बाकी नहीं रहते। जब उन्होंने ईसा मान लिया, महदी मान लिया, तो फिर वो मोमिन कहाँ रहे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सरीह बगावत है ये। तो लिहाजा ये फितना बहुत तेज
तेज़ी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, बहुत खामोशी के साथ ये मेहनत हो रही है। और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सामने नहीं आते, सामने किसी वाकिफकार से, किसी आलिम से दू बदू बात करें, दलाइल से गुफ्तगू करें, बिल्कुल नहीं आते। बल्कि ये बताते हैं अपने लोगों को कि ऐसे लोगों के पास न जाना, वरना वो गुमराह कर देंगे, वरना वो तुम पे जादू कर देंगे, तुम गुमराह हो जाओगे। हालांकि सही बात यह है कि हर नौजवान की जिम्मेदारी है, जब भी कोई वो इस तरह की नई बात सुने, उसे चाहिए कि कुरान और हदीस का सही इल्म रखने वालों से रुजू करे, उससे मालूम करे कि क्या ये हकीकतन है, क्या ये हो सकता है। ये हो ही नहीं सकता कि जब तक हजरत इमाम महदी की पैदाइश मदीनतुल मुनव्वरा में नहीं होगी, तब तक इमाम महदी दुनिया में आ ही नहीं सकते। कहां मदीनतुल मुनव्वरा और कहां यह हिंदुस्तान की सरजमीन, बिल्कुल भी हो नहीं सकता, ये नामुमकिनात में से है। तो इसीलिए नौजवानों, कम से कम इतनी मोटी बात याद रखो कि इमाम महदी जो आएंगे वो मदीनतुल मुनव्वरा के होंगे, मक्कतुल मुकर्रमा में उनका जहूर होगा, उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, वो सय्यदा फातिमतुज जहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की पाकीजा नस्ल से होंगे। ये बिल्कुल साफ, ये मोटी चीजें बिल्कुल याद रख लें, इंशाअल्लाह कोई गुमराह नहीं कर सकेगा, कोई हमारे ईमान और इस्लाम का सौदा नहीं कर सकेगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला हम तमाम को इन नए फितनों से महफूज फरमाए और इन तमाम शुरूर और फितने पैदा करने वालों को हमेशा हमेश के लिए ख़त्म फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।